इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं बैद्यनाथ कब्ज हरदे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोलकाता से अयोध्या के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का शुभारंभ किया। लखनऊ में अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या आने वाले समय में देश और दुनिया में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सबसे प्रमुख शहर होने जा रहा है। आपको बता दें कि आज कोलकाता से अयोध्या फ्लाइट की शुरुआत होने के बाद आम लोग 19 जनवरी से यात्रा कर सकते हैं। कोलकाता से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 11:05 पर उड़ान भरेगी, अयोध्या 12:50 पर लैंड करेगी। वहीं इस फ्लाइट का एक तरफ का न्यूनतम किराया 4557 रुपए होगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष के नेता लगातार राम मंदिर पर विवादित बयान दे रहे हैं। ताजा बयान कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता के एन राजन्ना का आया है। राजन्ना ने अपने बयान में कहा कि जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था तब वे वहां गए थे। राजन्ना ने आगे भगवान राम और सीता के प्रतिमा को लेकर कहा कि इस दौरान उन्होंने एक तंबू में दो गुड़िया रखी देखी, जिसे बाद में लोग भगवान राम कहने लगे। हालांकि बाद में विवाद बढ़ने के बाद राजन्ना ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने आप सभी को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा कि वहां क्या है। एक बार मैं जाऊंगा और देखूंगा और फिर आपको बताऊंगा वहां क्या है। एक तरफ जहां पूरे देश में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह, तो दूसरी ओर विपक्षी खेमे मायूसी छाई हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक विशेष वर्ग के वोट को पाने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां एक के बाद एक प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के निमंत्रण को ठुकरा रही। और इसी कड़ी में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। और इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि वह कार्यक्रम के बाद और निर्माण पूरा होने के बाद दर्शन के लिए आए। शरद पवार के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव ने भी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह शामिल होने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई अन्य नेताओं ने निमंत्रण को ठुकरा दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बैद्यनाथ कब्ज हरदे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। राम मंदिर के शुभारंभ को लेकर सनातन धर्म को मानने वाला हर कोई राम के काज में जुटा है। कोई भगवान राम के लिए चढ़ावा भेज रहा है तो कोई अन्य धर्म का होते हुए भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाकर सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहा है। सामाजिक सौहार्द का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आगरा के दो दोस्त भगवान राम के दर्शन के लिए पैदल अयोध्या के लिए निकले। इन दो दोस्तों में एक हिंदू है तो दूसरा मुसलमान है। अपनी यात्रा और भगवान राम को लेकर इन दोनों दोस्तों का कहना है कि इस समय पूरा देश राममय हो गया है और केवल हिंदू में ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह नहीं है बल्कि भारत को अपना मानने वाले मुस्लिम इससे खुश हैं। और अपनी यात्रा को लेकर इन दोनों दोस्तों ने आगे बताया कि वे राम नाम के सहारे 480 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे और इसके बाद भगवान राम के दर्शन करेंगे। दोनों दोस्तों के हाथों में भगवा ध्वज और पीठ पर राम मंदिर की एक तस्वीर। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को राम लला की मूर्ति के हस्तशिल्पियों द्वारा बनाए गए विशेष कपड़े सौंपे। इन कपड़ों की बुनाई में 10 से 15 लाख लोग शामिल थे, जिसे कड़ाके की ठंड के बीच श्री राम लला को पहनाया जाएगा। सीएम योगी ने खुद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी को ये वस्त्र सौंपे और कारीगरों के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया।